डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास सेवेंथ मैथ एक्सरसाइज 1वी है। इस 1वी में आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। जो आपको फर्स्ट ए में भी बताया गया था कि प्रमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखने के लिए उसके अंश और हर को हम किसी एक मध्य संख्या से विभाजित करके उसको सरलतम रूप में ले आते हैं, अथवा आपको बताया था अंश और हर दोनों का मासा लेकर उससे हम दोनों को विभाजित कर दें तो हमारा सरलतम रूप बन जाता है। जैसे -8/10, इसको हम 2 से विभाजित करते हैं तो 2 × 8 और 2 × 5 = 10, यानी 4/5। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 4 और 5 को विभाजित कर दे, इसलिए हमारा सरलतम रूप हो गया -4/5। इसी तरह सेकंड खंड है 15/20, 15/20 का यदि मासा देखते हैं तो 5 होगा और वैसे भी ये 5 से विभाजित होगी, तो 5 × 15 और 5 × 20, तो इसका सरलतम रूप होगा 3/4। तो इसी तरह आपके नेक्स्ट गा और घा खंड आप स्वयं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में बराबर या बराबर नहीं भरिए। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कौन सी दोनों प्रमेय संख्या एक समान है। यदि एक समान है तो वहाँ आपको बराबर लिखना है, और यदि समान नहीं है तो बराबर नहीं, यानी बराबर को क्रॉस कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान हैं। जोड़ों में समान देखने के लिए प्रमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लाते हैं हम। पहले सरलतम रूप में लाने के बाद यदि दोनों प्रमेय संख्याओं के सरलतम रूप एक जैसे होंगे तो वो दोनों समान होंगी। अगर दोनों सरलतम रूप समान नहीं है, यानी एक जैसे नहीं है, तो वो प्रमेय संख्या समान नहीं होंगी। जैसे आपको खंड का -9/12 है और 8/-12 है, तो ये आपको 2 विधि से बताया गया है। प्रथम विधि है हमारी जिसमें हम सरलतम रूप में चेंज करेंगे, 3 से विभाजित करते हैं 9/12 को, तो इसका सरलतम रूप आता है -3/4, और 8/-12 को विभाजित करते हैं तो इसका सरलतम रूप आता है 2/-3। तो इस तरह से हमारा एक प्रमेय संख्या का सरलतम रूप है -3/4 और दूसरी का है 2/-3। तो इसमें ये दोनों सरलतम रूप आपस में एक समान नहीं है, इसलिए ये जोड़े भी समान नहीं होंगे। यदि हम इसी को दूसरे अब हम इसको द्वितीय विधि यानी दूसरी विधि से देखते हैं, तो दो प्रमेय संख्याओं में जिनमें एक का अंश ए तथा हर बी होगा, दूसरी प्रमेय संख्या का अंश सी तथा डी होगा, यानी हम प्रमेय संख्या ए बट्टे बी और सी बट्टे डी मान लेते हैं, तो ए गुणा डी तथा बी गुणा सी का गुणनफल बराबर आता है तो दोनों प्रमेय संख्या समान होंगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों प्रमेय संख्याओं में हम क्रॉस का यानी कैंची का गुणा कर दें और कैंची का गुणा करने पर गुणनफल समान आ जाए तो हमारी प्रमेय संख्या समान होंगी। जैसे जो अभी हमने की थी -9/12 है और 8/-12 है, इसमें हम कैंची का गुणा यानी a बराबर -9, b बराबर 12 है, c बराबर 8 और d बराबर -12 है, तो a और d का गुणा -9 × -12 है बराबर 108 और b गुणा c अर्थात 12 × 8 बराबर 96। अब हम देखते हैं 108 और 96 आपस में समान नहीं है यानी बराबर नहीं है, तो इसलिए ये इस दोनों संख्याएं -9/12 है और 8/-12 है समान नहीं होंगी। तो इस तरह से हम किसी भी विधि से कर सकते हैं, या तो दोनों प्रमेय संख्याओं में आपस में कैंची के गुणा कर लें सीधी सीधी भाषा में, अथवा सरलतम रूप निकाल लें, सरलतम रूप समान आता है या गुणनफल समान आता है तो प्रमेय संख्या समान होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। तो इस तरह से आपको और खंड करने हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, प्रमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जैसे 3/4 संख्या रेखा पर निरूपित करनी है अर्थात संख्या रेखा पर प्रदर्शित करनी है, तो
यहाँ पर हमें देखना होगा कि जो हमें परमेय संख्या दी गई है वो किसी पूर्णांक से कम है या ज़्यादा है, यानी किन दो पूर्णांकों के बीच में आती है। तो हम देखते हैं तीन बट्टे चार, तीन बट्टे चार का मान एक से कम है। एक से कम क्यों है? क्योंकि इसका अंश हर से कम है, यानी हर ज़्यादा है अंश कम है, इसलिए ये एक से कम है। यदि इसमें भाग चला जाता किसी का, जैसे मान लीजिए पाँच बट्टे चार होता तो हर कम था अंश ज़्यादा था, इसलिए जितनी बार भाग जाता चार का भाग पाँच में एक बार जाएगा तो ये एक से आगे आती। तो यहाँ पर हम देखते हैं तीन बट्टे चार एक से कम है, तो ये तीन बट्टे चार जीरो और एक के बीच में आएगी। तो परमेय संख्या रेखा पर हमने आपको पहले पढ़ चुके हैं, आप सिक्समय संख्या रेखा पर एक पॉइंट जीरो होता है, उसकी दाईं ओर प्लस की संख्याएं चलती हैं, यानी प्लस के पूर्णांक चलते हैं। तो हमने समान दूरी पर शून्य एक और दो दो पूर्णांक बना दिए। अब इनमें से हमने अभी यहाँ पर आपको बताया कि ये एक से कम है तीन बट्टे चार, तो एक से तीन बट्टे चार कम है, तीन बट्टे चार अर्थात नीचे जितने हर हैं उतने हम इसके भाग कर देंगे, जीरो और एक के बीच में हम समान भाग चार हैं तो चार बराबर भागों में बांट देंगे जीरो और एक के बीच की दूरी को। बराबर बांटने पर हम इसमें हर पॉइंट को एक बट्टे दो, दो बट्टे सॉरी एक बट्टे चार, दो बट्टे चार, तीन बट्टे चार, इस तरह से तीन बट्टे चार के बाद लास्ट पॉइंट होगा चौथा पॉइंट एक। तो यहाँ पर हमें तीन पॉइंट चार को प्रदर्शित करना है, तो तीन पॉइंट चार अर्थात तीसरे पॉइंट अंग्रेजी वर्णमाला के सी अक्षर पर आता है, तो इस तरह से हमारा तीन बट्टे चार यहाँ पर प्रदर्शित होगा। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है कि परमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है। अभी आपको बताया था जो जोड़े समान होते हैं तो वो समान बराबर होंगे, समान होंगे अगर उनके सरलतम रूप या कैंची का गुणा बराबर नहीं होगा तो वो असमान होंगे। यहाँ पर हमें असमान छांटना है, तो असमान छांटने के लिए जैसे हमने मान लीजिए पहले को हल किया तो माइनस आठ बट्टे चौबीस और सात बट्टे माइनस इक्कीस को हल करने पर इसका आंसर आता है आठ बट्टे चौबीस, आठ से चौबीस को डिवाइड करेंगे तो एक बट्टे तीन अर्थात माइनस एक बट्टे तीन, और सात से इक्कीस को डिवाइड करेंगे तो ये भी एक बट्टे तीन, ये भी आ गया एक बट्टे माइनस तीन, तो दोनों मान माइनस एक बट्टे तीन और माइनस एक बट्टे तीन हैं, इसलिए ये दोनों समान हैं यानी असमान नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये समान हो गया अर्थात असमान नहीं है। इस तरह से हम देखेंगे कौन समान है कौन असमान है, जो असमान है उन जोड़ों को हम लास्ट में लिख सकते हैं कि ये जोड़े असमान हैं। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, इसके बाद नई एक्सरसाइज में मिलेंगे। धन्यवाद।